आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइसरॉयज। तो देखिए, वाइसरॉयज को हम दो ट्रिक्स के थ्रू कवर करेंगे। पहली ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ आज हम सेकेंड ट्रिक की बात करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ये वाले वाइसरॉयज आप देख रहे होंगे इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हार्डली आपको क्वेश्चन मिलेगा। अदरवाइज जो पीछे वाली ट्रिक है उसमें से ज़्यादा आती हैं, इवन उसी में से आते हैं, ठीक है। बट हम किसी चीज़ को स्किप तो नहीं कर सकते, यू नेवर नो कि एग्जामिनर इसी में से डाल दे, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो ट्रिक देखिए बहुत देसी है, आपको याद करना है तो ठीक है, बट मैंने इसी तरह से याद किए हुए, ठीक है। सो मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू वक्त पर मांगे। मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू वक्त पर मांगे। देखिए प्लीज़ कमेंट्स में मजाक मत उड़ाना, सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो लेट इट गो, कुछ और देख लो। बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगे, या आप खुद से बना सकते हैं। इसमें थोड़े से तो हैं, अपने से कोई ट्रिक बना लो, है ना। मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू वक्त पर मांगे। इन हर एक शब्द का पहला अल्फाबेट यहाँ पे लिख लो इंग्लिश में। नाउ एम स्टैंड्स फॉर मिंटो 2, एच फॉर हार्डिंग 2, सी फॉर चेम्सफोर्ड, आर फॉर रीडिंग, आई फॉर इरविन, डब्ल्यू फॉर विलिंगडन, एल फॉर लिनलिथगो, डब्ल्यू फॉर वेवल, एम फॉर माउंटबेटन, ठीक है। टाइम पीरियड आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, रटना नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। नाउ ये हमें पढ़ने हैं, मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू वक्त पर मांगे। चलिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि है लॉर्ड मिंटो 2। अब देखिए पहली ट्रिक नहीं है ये, सेकेंड पार्ट है वाइसरॉय इस टॉपिक के वीडियो का। पहली अगर आपको देखनी है वो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ वहाँ पे इंक्लूड की है। यहाँ पे तो इसमें तो ज़्यादा है ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ फर्स्टली हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो 2। मैं हूँ, मैं फॉर, एम फॉर मिंटो 2। टाइम पीरियड है 1905 से 1910 तक का। इस टाइम पे होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं नेशनल मूवमेंट में पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें क्या है ना, अलग अलग मूवमेंट्स, आंदोलन, रिवोल्ट सब कुछ आएंगे, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है, क्योंकि वो मैं नेशनल मूवमेंट में पढ़ा चुकी हूँ, राइट। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे तो 30-40 पेजेस के तो नोट्स ही बन जाएंगे। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल मिंटो 2 के टाइम पे हुआ, स्वदेशी मूवमेंट मिंटो 2 के टाइम पे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इनके टाइम पे हुई, डिमांड फॉर स्वराज इनके टाइम पे हुआ, सूरत स्प्लिट इनके टाइम पे हुआ, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स इनके टाइम पे हुआ, एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1908 भी इनके टाइम पीरियड में पास हुआ, ठीक है। कुछ है इसमें याद करने वाला, ये तो आपको वैसे ही याद होगी सारी चीज़ें। नाउ आपको टाइम पीरियड याद करना है 1905 से 1910, यानी कि नेशनल मूवमेंट में 1905 से 1910 तक हम जो कुछ पढ़ते हैं वो लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पीरियड में हुआ। एडिशनल चीज़ क्या है कि न्यूज़पेपर एक्ट आता है एक 1908 में, वो भी इनके टाइम में पास हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट वाले हो गए हमारे। सेकंड क्या है, मैं हूँ, हूँ फॉर एच, एच फॉर हार्डिंग 2, यानी कि नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे हार्डिंग 2 के बारे में। नाउ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाते हैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे, क्योंकि नो डाउट आपको अलग अलग बुक्स में ये कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, हर एक बुक में मिलेगा, बट किसी में कम पॉइंट्स होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, वो भी मैटर नहीं करता। बुक से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बुक से आप पढ़ भी लोगे याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है तो वो फटाफट से पढ़ के रट लेते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं बेशक आप नोट्स ना बनाए, बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि 95-97% लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखना पड़ता है, जो नोट्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब नोट्स बनाते थे, सबका बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। कई छोटा छोटा लिखते हैं पेज पे और एक ही पेज पे पूरे वाइसरॉय कवर कर देते हैं, कई लिखते हैं खुला खुला। तो मुझे तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि जो लोग अच्छे से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकें। नाउ चॉइस आपकी है कि आपको कैसे नोट्स बनाने, ठीक है, बट नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाने में लेजीनेस नहीं कि कल बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, फिलहाल पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए लॉर्ड हार्डिंग 2 पे चलते हैं अब डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग 2। इनका टाइम पीरियड था 1910 से 1916 तक, ठीक है। अब इनके टाइम में क्या क्या हुआ, एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दो, 1911 में इनके टाइम पीरियड में हुआ। दिल्ली दरबार 1911 का इनके टाइम पीरियड में हुआ। गदर पार्टी बनी 1913 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में बनी। कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914, वो शिप वाला इंसिडेंट, इनके टाइम पे हुआ। होम रूल लीग, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो होम रूल लीग है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे होगा। अब होम रूल लीग जो है, सॉरी, बनी तो 1916 में थी, बट 16 तो ईस्ट इनके टाइम पे वो बनी थी, इस टाइम पे नहीं बनी थी, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट वाले में लिखना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, 1911 के दिल्ली दरबार में डिसीजन हुआ था कि अब कलकत्ता से दिल्ली जाएगी कैपिटल। 1912 में बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड बिकेम अ न्यू स्टेट, बंगाल में से
बिहार और उड़ीसा अलग किए गए, अलग अलग जो है इनकी स्टेट्स बनी। नाउ अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सारी याद ही करनी है, समझना तो इसमें कुछ है नहीं, तो बस जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते चलें, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा 1915 में बनी थी। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए इस दिन NRI डे या कह लीजिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इसमें कुछ याद करने वाला है, ये सारा तो याद करने वाला है नहीं, ये पढ़ लो, हिंदू महासभा पढ़ लो, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं हूँ चंचल, च कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में, सी से, एंड सी स्टैंड्स फॉर चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। टाइम पीरियड आता है 1916 से 1921 तक का, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, रॉलेट एक्ट 1919 आया था, ऊपर से हम लाए होम रूल 1916, ठीक है, वो ऊपर लिख दिया था मैंने गलती से, तो वो चीज़ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुई। सेटलर कमीशन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था 1917 में बना था। हंटर कमीशन टू लुक इनटू जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस क्या हुआ क्यों हुआ उस मैटर पे डिस्कस करने के लिए हंटर कमीशन आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ, खिलाफत मूवमेंट 1920 में इनके टाइम पीरियड में हुआ, एंड इंडियन सर SP सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर बनाए गए सर SP सिन्हा जो कि एक इंडियन थे, ठीक है। नाउ पढ़ लिया हमने दो को और इसमें कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है। अगर प्रीवियस ट्रिक की बात करें तो उसमें हमने कितनी नई नई चीज़ें पढ़ी थी, इसमें क्या है वही सब चीज़ें जो इवेंट्स हमने सीक्वेंस में पढ़े हैं ना नेशनल मूवमेंट के में, वो आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेशनल मूवमेंट में हमने इवेंट्स पढ़े कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, वो इवेंट्स आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं इन वाइस राइस के टाइम पीरियड के हिसाब से, दैट्स इट। दो दो लाइनें सब में है, जैसे इसमें सेपरेशन वाला हो या हिंदू महासभा हो गया, दैट्स इट। चेम्सफोर्ड के टाइम में सेटलर कमीशन हंटर कमीशन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए हमारे अब दो पेजेस हो गए, अब चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। मैं हूँ चंचल रानी, र आर रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, मोपला रेबिलियन हुआ 1921 में, होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जाम्स फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंग्लैंड एंड इंडिया फ्रॉम 1923, 1923 से इंग्लैंड और इंडिया दोनों में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज होने लगा, अदरवाइज पहले इंग्लैंड में ही होता था, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट वो पुलिस स्टेशन वाला, इनके टाइम पीरियड में हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनके टाइम पीरियड में हुआ। अब देखिए आप बोलेंगे पीछे भी लिखा था, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था बट मूवमेंट आंदोलन चलता भी तो है ना। स्वराज पार्टी फॉर्मेशन 1923 में बाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, फिर ये भी जो है डिवाइड हुए, सूरत स्प्लिट में ना मॉडरेट्स हुए एक्सट्रीमिस्ट हुए, इनमें भी फॉर चेंजर्स वगैरह हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय MN रॉय इन 1925, कोरिया ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई थी। ली कमीशन बना 1924 में पब्लिक सर्विसेज के लिए, यंग हिल्टन कमेटी बनी करेंसी नोट्स के लिए, एंड रॉयल कमीशन बना एग्रीकल्चर पे बेस्ड, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग पढ़ लिया हमने, टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया, इनके टाइम में क्या क्या हुआ पढ़ लिया। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो के साथ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किप कर रहे हैं ना, आप सिर्फ वीडियो एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में एक ही अटैम्प्ट में क्लियर करना मुश्किल होता है। नोट्स चाहिए हमें लास्ट टाइम रिविजन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ फिर से ट्रिक पे आते हैं, मैं हूँ चंचल रानी इधर, सॉरी इटली, मैं हूँ चंचल रानी इटली, इटली आए इरविन, लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931। इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, बटलर कमीशन आया 1927 में, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928, साइमन कमीशन आया 1928 में, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई जो कि बायकट की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, INC का लाहौर सेशन हुआ 1929 में जिसमें पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की गई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, डांडे मार्च 1930 वो नमक वाला समुद्र वाला, गांधी इरविन पैक्ट 1931, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई गई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इसमें क्या नई चीज़ें पढ़ी हमने, दो चार नए पॉइंट्स हैं, बाकी सारे दांडी मार्च, इरविन पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, RTC, नेहरू रिपोर्ट सब पुराने हैं, ठीक है। आपको नेशनल मूवमेंट अगर अच्छे से आता है ना तो ये वाले वाइस रेस तो समझो आपको याद ही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3-4 टॉपिक्स बचते हैं देन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप परचेज कर सकते हैं, फाइन। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले। वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन वाइसरॉय 1931-36। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनके टाइम में पास हुआ था। कॉमनल अवार्ड इनके टाइम में आए थे। पूना पैक्ट इनके टाइम में हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने नेशनल मूवमेंट में पढ़ी है। अलग चीज़ क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में, राइट। मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू, लड्डू एल लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बकवास ट्रिक बनाई है, बट काम इसे चलेगा। ठीक है, हमें सिर्फ काम चलाना है, सारे सिक्वेंस में याद होना जरूरी है। ठीक है, नाउ लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़ना है, जिनका टाइम पीरियड है 1934 से 1944 तक का। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936-37 में इनके टाइम पीरियड में हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड इन 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इनके टाइम पीरियड में फाउंड किया गया था। लाहौर रेजोल्यूशन जो है मुस्लिम लीग का 1940 में, जिसमें कि डिमांड हुई पाकिस्तान की, इनके टाइम पीरियड में हुआ था। अगस्त ऑफ 1940 लॉर्ड लिनलिथगो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1939 का हरिपुरा सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड एज गोल, इनके टाइम में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये है, ये ही सारा हमने नेशनल मूवमेंट में पढ़ा है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे पढ़ने बैठे थे तो हम एक ही वाइस रॉय कवर कर पाएंगे एक वीडियो में, है ना। तो मैं ये चीज समझ रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है, मतलब मैं ऐसा होप कर रही हूँ। तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज़ कवर अप कर सकूँ। बट मैं अपनी तरफ से फुल यू नो फुल प्रूफ प्लान के साथ आती हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, मैं ये बिलीव करती हूँ, है ना। चलिए, हमारा काफी कुछ हमने कंटेंट पढ़ लिया वाइसरॉय का, अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। मैं हूँ चंचल रानी, इटली वाले लड्डू, वक्त पर मांगो। वक्त पर W, मांगो M, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ लॉर्ड वेवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड था 1944-1947 तक का। सी राजाजी फॉर्मूला 1944, वेवल प्लान 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया 1946, नेवल म्यूटिनी 1946। आई होप आप समझ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ नोट्स को। नहीं, ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि लॉर्ड वेवल के टाइम में हुआ क्या क्या था। वेवल प्लान आया, अब वेवल प्लान क्या है वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वो कॉन्फ्रेंस क्या थी वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। कैबिनेट मिशन आया, वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये चीज़ लॉर्ड वेवल के टाइम में हुई थी, ये चीज़ लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पर हुई थी, ये चीज़ लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर हुई थी, राइट। लास्ट पॉइंट आता है, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड 16th August 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे पे अलग वीडियो मैंने बनाया है नेशनल मूवमेंट के अंडर। अगर आपको वाइसरॉय पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपको नेशनल मूवमेंट पहले पढ़ना होगा। नेशनल मूवमेंट की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, 40 के अराउंड लेक्चर्स हैं उसमें, उसको देखें फिर वाइसरॉय वाला टॉपिक करें, बहुत ईजिली आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए, मैं हूं चंचल रानी, इटली वाले लड्डू, वक्त पर मांगो, मांगो एंड मांगो इज हेयर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, टाइम पीरियड मार्च 1947-जून 1948 तक का। लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इसके बाद इस बीच में तो हमें मिल गई थी इंडिपेंडेंस, तो जो आए वो थे इंडियन। ठीक है, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया 1947 में, यानी बीच में ही हमारा देश हो गया था आज़ाद, तो फिर उस टाइम गवर्नर जनरल बनाए गए थे फ्री इंडिया के, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा गया था कि आप कैरी ऑन करें। बाउंड्री कमीशन अंडर रेडक्लिफ, रेडक्लिफ लाइन हम पढ़ते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, क्योंकि बाउंड्री लाइन्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट पॉइंट आता है लॉर्ड माउंटबेटन का, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सी राजागोपालचारी, अब ये आगे लास्ट, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको अब इंडियन है भाई, ये तो याद करने पड़ेंगे। सी राजागोपालचारी, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहले कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट कौन थे, सी राजागोपालचारी। जब इनका टाइम पीरियड हो गया तो ये बने थे 1948-1950 तक, फिर PM प्रेसिडेंट वाला हमारा सिस्टम चल पड़ा था। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा यू नो टॉपिक था वाइसरॉय, कैसे होगा कैसे होगा, मुझे खुद से टेंशन थी कि नोट्स कैसे बनाऊंगी, इतना कुछ है पढ़ाने के लिए, कितनी वीडियोस में पढ़ाऊंगी, बट हिम्मत करके मैंने दो वीडियोस में कवर कर दिया। ये वाली वीडियो तो शॉर्ट ही है, बट पहले वाली काफ़ी लेंथी हो गई थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की या किसी भी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडियन इंडिपेंडेंस में। ठीक है, किसी भी तरह से उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी मैं दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, वो इतने लेंथी नहीं होंगे, 12-15 मिनट की वीडियोज़ होंगी आई थिंक, मतलब आइडिया में लगा सकती हूँ, वो तो तभी पता चलेगा रिकॉर्ड करते टाइम। ये दो वीडियोज़ होंगी, उसके बाद हम क्रिमेटोरियम पढ़ेंगे और उसके बाद हमें पढ़ना है वॉर्स।
वॉर्स देखिए मैं सच बताऊँ मुझे खुद से बहुत बोरिंग लगता है, तो ये टॉपिक मैं कभी खुद से भी नहीं पढ़ती, स्किप करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते। बट एक लड़की ने कमेंट किया था कि मैम आपने वो नहीं पढ़ाया, तो हाँ मैंने वो छोड़ा था बात के लिए, मेरा मूड था भी नहीं पढ़ाने का, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो पढ़ाऊँगी एक टेबुलर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊँगी, क्योंकि वॉर्स से क्वेश्चन ना आता ही नहीं है, एटलीस्ट जो एमसीक्यू ये प्रीलिम्स वाले होते हैं ना इनमें तो आता ही नहीं है, उसमें मेंस में आता होगा तो वो अलग चीज़ है, बाकी वॉर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।